हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आप सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे स्लग्स होते हैं, जो यूआरएल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यूआरएल है। आज मैं दो यूआरएल के आपको एग्जांपल लूँगा जो कि इंडेक्स नहीं है। पहले मैं आपको बताया था वो इंडेक्स नहीं है, पहले वो इंडेक्सिंग हम चेक करके बताते हैं आपको। तो ये हमारा इंडेक्स नहीं है, ये यूआरएल, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऊपर देख रहे हैं स्लग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिशन बे, फिर कॉमा, फिर डैश, फिर लेजियर, फिर लागू, ठीक है। एक ये यूआरएल है। एक दूसरा यूआरएल मैंने ये पिक करा जो ये भी इंडेक्स नहीं है। इसको भी मैं लाइव आपको चेक करके बता देता हूँ, ये भी इंडेक्स नहीं है। देखिए ये भी इंडेक्स नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे उसमें स्पेशल करेक्टर में कॉमा था, तो जो इसमें स्पेशल करेक्टर में जो है आपका एंड है, %26 है। %26 क्यों आया उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंड है। एंड इज रिप्लेस्ड बाय %26 हेयर, कॉमा इज रिप्लेस बाय, अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों यूआरएल को चेक करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो कॉमा था इसको रिप्लेस कर दिया है %26, ठीक है। और आप जैसे देख सकते हैं, मैंने गूगल पे भी डाला था कि टू सी इन यूआरएल का मतलब होता है %2c, कि एस यहाँ पे %2 लिखता कि कॉमा, अ कॉमा इन द स्ट्रिंग शुड बी इनकोडेड एज %2c, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि अगर हम अपने यूआरएल के स्लग में, क्योंकि ये तो हमारा प्रोटोकॉल होता है HTTPS, ये डोमेन हो गया, यूआरएल हो गया और ये स्लग हो गया, ठीक है। तो अगर हम स्लग में कोई स्पेशल करेक्टर या एंड, इन, एट यूज़ करते हैं, तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास जो केस आया है वो एक कॉमा का आया है, एक एंड का आया है, और आप दोनों ही देख सकते हैं, दोनों नो इंडेक्स हैं ड्यू टू दिस, ठीक है। उसका एक रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जब मैं इस वाले में, अगर आप देख सकते हैं, मैं जब इस वाले में गया, और ये मेरा जो स्पेशल क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने यहाँ पर देखा, तो इन्होंने यूआरएल तो ये है, आप देख सकते हैं सेम, पर कैनोनिकल क्या ले रखा है, %2 लेजियर लागून, ठीक है। जब मैं इधर गया, इसके व्यू सोर्स में गया, इसके ही व्यू सोर्स में गया, और जिसका कैनोनिकल है उसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लाइन रैप क्लिक करा मैंने, कंट्रोल एफ, आप देख सकते हैं कैनोनिकल में इन्होंने ले रखा है ये यूआरएल, ठीक है, %2c ले रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हुआ। इसका एक रीज़न ये था, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम जो हमारे डेवलपर होंगे, तो जब वो जितने सारे वेब पेजेस की कोई यूआरएल स्ट्रिंग उन्होंने चलाई होगी, ठीक है, कि भाई इस तरीके से इसका यूआरएल बन जाए, तो उसमें हुआ क्या कि गलती क्या हुई, जब हम यहाँ पे मेटा जो अभी H1 मान लीजिए, ये क्या है, मिशन बे लीजिए, ये H1 ही है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कि H1 है, हाँ फ्रेंड्स ये H1 ही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कॉमा आया, और हमारी जो इस सैंडी वेबसाइट का इशू क्या है कि जो भी H1 होता है ना, स्लग वही बनता है। तो जब आप H1 में ही मिशन बे में अगर यहाँ पे आपने कॉमा पुट कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे ऊपर कॉमा आया और ऑटोमेटिकली जो यूआरएल बना, कैनोनिकल अपने आप ऑटो बन गया, और जैसे जब स्पेशल करेक्टर था तो वो ले लिया %2c। ऐसे सेम ये यूआरएल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड आया और इन्होंने %26 ले लिया, ठीक है। इसका यूआरएल भी आप यहाँ पे व्यू सोर्स में हम जाके चेक कर सकते हैं कि कैनोनिकल क्या है इसका, तो इसका कैनोनिकल भी आप देख सकते हैं, कैनोनिकल इक्वल्स टू %26 बीच। अब आप खुद देखिए फ्रेंड्स, जब क्रॉलर यहाँ पे आया, इन दोनों पेज पे आया होगा, उसने जब कैनोनिकल टैग देखा, तो उसने इसको डी इंडेक्स करा, डी इंडेक्स का इसको इंडेक्स ही नहीं करा, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे पेजेस अपने वेबसाइट पे चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं, कि ऐसे पेजेस हम निकालें और अपने डेवलपर को दें और इशू शेयर करें अपने मैनेजर के साथ या क्लाइंट के साथ, कि क्या पता आपका डेवलपर ना हो, क्लाइंट का अपना खुद का एक डेवलपर हो, तो आप उसके साथ ये इशू शेयर कर सकते हैं कि जो भाई ये जो यूआरएल्स हैं ये क्यों नहीं इंडेक्स हो रहे। उसका रीज़न यही है। अब क्या है कि मैंने कस्टम रिजेक्ट्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, उससे मैंने ये सारे यूआरएल एक बार में 1000 निकाल लिए,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये URL है जो मैंने एक बार में निकाले, उस क्वेरी को डाल के ये देखिए 1001 पहला वाला तो टॉप पेजेस, उसके अलावा 1000 एग्जैक्ट URL निकले। और वो क्वेरी क्या थी, आपको सिंपल क्या करना था, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, आपको पेजेस में जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है। ये मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ हर क्वेरी का, तो उसमें मैंने परसेंट डी लगाया था, लेकिन अगर मैं परसेंट 26 या कुछ ऐसे निकालने को कि हमें कौन से निकालने में परसेंट लग रहे हो, तभी पता चलेगा ना कि उन सब यूआरएल में स्पेशल करेक्टर यूज़ हुआ है या एंड यूज़ हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च रिजल्ट पे जाना है, न्यू पे जाना है, पेजेस पे जाना है, कस्टम रिजेक्ट्स करना है। और यहाँ पे अगर आप केवल जो मेरा वो वीडियो था, अगर आप परसेंट डी लगाते हैं तो आपके साथ वो यूआरएल आ जाएंगे जिसमें डिजिट होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेजेस हैं तो इसमें हमने क्या लगाया है, एक मिनट, कौन सा लगाया है, हाँ ये क्वेरी होगी। तो देखिए इस क्वेरी के हिसाब से 3 49 6% 2C भी आ गया, क्योंकि 2 आ रहा है कहीं ना कहीं सेकंड। लेकिन अब मुझे तो वो पेज चाहिए ना फ्रेंड्स जिसमें परसेंट 2 लगा हो या परसेंट 26 लगा हो, क्योंकि वो परसेंट क्यों आ रहा है, परसेंट इसलिए आ रहा है कहीं ना कहीं स्पेशल करेक्टर या एंड इन एट यूज कहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मेरी जो क्वेरी थी वो थोड़ी सी मैं और प्रिसाइज करके यहाँ पे लगाऊंगा परसेंट। अब देखिए जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो वो सारे पेज आ जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं स्पेशल करेक्टर यूज हुए हैं। जैसे देख लीजिए परसेंट 2C जो हमने चेक करा, परसेंट 26, परसेंट 2C, परसेंट 2C, देख रहे हैं आप, ये परसेंट करके आ गए। फिर इसको अपने मैंने 500 तक करा और मैंने इसको जैसे एक्सपोर्ट करा ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे आया तो ये पूरा का पूरा 1000 URLs हमारे वन गो में आ गए। तो आप ये URLs अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई हमने ये सारे पेजेस निकाले जो कि नॉन इंडेक्स है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी आपकी कमांड लगी रिजेक्ट्स की, इससे आपके सारे पेजेस आ गए, वही सारे पेजेस हैं जो नो इंडेक्स हैं। और वो जैसे मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट में इशू क्या है कि उन्होंने H1 के हिसाब से स्लग ऑटोमेटिकली फैच होता है। अभी अगर मैं अपने डेवलपर को बोलूँगा वो यहाँ से सिंपल कॉमा हटाएगा और वहाँ ऊपर सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक इशू और होगा फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट में, आपका पता नहीं मुझे कि क्या होगा, ये वाला जो URL होगा जो परसेंट जो ये वाला अभी बन रहा है ये तो चला जाएगा नॉट फाउंड में। ठीक है, और उसकी जगह मिशन बे और ये कॉमा तो नहीं होगा, लेज़र लागू हो जाएगा, ये ओपन होगा। तो अब क्या होगा, जब क्रॉलर दोबारा आएगा ये यूज़र उस URL पे आएगा जिसमें कॉमा लगा था तो वो जाएगा 404। तो आप जो हमारे डेवलपर है मैं उसको इंस्ट्रक्शन ये दूंगा कि एक तो आप यहाँ से कॉमा हटाओ और उसके बाद जो ये वाला URL ना इसको रीडायरेक्ट करना नए वाले पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो URL होगा इसको हम पता रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम किस पे रीडायरेक्ट करेंगे, इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे जैसे मान लीजिए ये वाला ये URL मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये तो आप देख लीजिए यहाँ पे कॉमा लगा है। ठीक है, अब जो नया URL बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। और अगर जब हम एंड कॉमा हटा देंगे तो URL क्या बना, URL ये बना न्यू वाला, ये हमारा ओल्ड था। तो अब हमारा क्या होगा, ये ओपन होगा लेकिन ये ओपन नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, 404 जाएगा, नॉट फाउंड। तो हमें क्या करना है, इस URL पे 301 लगाना है इसका, कि अगर कोई कहीं ना कहीं तो इसके आप समझ लीजिए बैक लिंक्स हो गए, अगर ये इंडेक्स नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हमें अब क्या होगा कि अगर हम इसको न्यू वाला लगा देंगे ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही रहेगा ना, फिर गूगल आएगा फिर क्रॉल करेगा क्योंकि हमने उस पर नो इंडेक्स नहीं लगाया, या तो हम उस पर नो इंडेक्स या नो फॉलो नो इंडेक्स लगा देंगे, नो इंडेक्स लगा देंगे तो वो कभी भी इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि अभी भी इंडेक्स नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो हम बेटर यूज़ क्या करेंगे, हम इस पर 301 भी लगा सकते हैं अपने URL को ठीक करने के बाद, इस पर 301 भी लगा सकते हैं ताकि अगर वो URL क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या तो 301 लगा दो ये इस पर रिडायरेक्ट हो जाए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं उस पर नो इंडेक्स लगा सकते हैं, इंडेक्स तो वैसे भी नहीं उस पर नो इंडेक्स लगा सकते हैं फॉर अ सेफ साइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो भी ऐसे URL होते हैं, और मैंने बताया ये निकलेगा कैसे, ये सारे URLs %/d करके आप लगाइएगा। ठीक है,
और आपका ऐसे ही यूआरएल्स आपको अपने अपने डेवलपर के साथ शेयर करना है ये इशू कि भाई एंड आ रहा है और यहाँ पे %26 है या कोई स्पेशल करेक्टर है आपका %C %2C ले रहा है। कई बार क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली हमारी हम अपना पेज प्रिपेयर करते हैं या हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारा जो स्लग होता है वो बनता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली। मैंने कई जगह देखा है कि उन्होंने इन दिल्ली से भी करा हुआ और वो इंटैक्स भी हो रहा है, मैंने देखा है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अब जैसे मैं अगर अपनी वेबसाइट सैंडी की बात करूँ तो मुझे तो इशू हुआ ना इससे, और ये बोला भी जाता है कि जो स्लग्स होते हैं उसमें स्पेशल करेक्टर और इन एंड एड ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना यूआरएल अपनी तरफ से यूआरएल स्ट्रिंग बनती है और वो फिर स्पेशल करेक्टर में काउंट हो जाता है। अब खुद देख लीजिए कि यहाँ पे यूआरएल ये बन रहा है और मैंने जब व्यू कोर्स सोर्स में दिखाया तो इनके यूआरएल अलग से बन रहे हैं जिसमें ये %%2C आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसका यूआरएल जो बना इसमें आप देख सकते हैं %26 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें अपने डेवलपर ये सारे पेज मैंने आपको क्वेरी बता दिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन में जाके। ऐसे आप परफॉर्मेंस सेक्शन में जाइएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन की क्वेरी लगाइएगा, आपके सारे यूआरएल्स आ जाएंगे, उसे एक्सपोर्ट कीजिएगा यहाँ से, ये एक्सपोर्ट हो गया, और आप या तो मेल कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन है शेयर कर दीजिए अपने मैनेजर को या क्लाइंट को कि भाई हमने ये बाकी सब डिलीट कर दीजिएगा, इस पेजेस पे चले जाइएगा, इस पे ये पेजेस वाला आपका मेन होगा, ठीक है। तो उससे उनको हेल्प मिलेगी कि उनको अब ज़्यादा जानना नहीं पड़ेगा, उनके पास 1,000 URL ऐसे हैं जिनमें ये इशू है। अब जैसे मैंने ये शेयर करा था तो मैं इसको यहाँ से ये डिलीट भी कर सकता हूँ ये वाला टैब, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कंट्री वंट्री सबके, ताकि उन लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ऐसी ना हो। मैं इसको अभी डिलीट भी कर देता हूँ आपके सामने से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाना है मुझे बनाना है वो मैं किस उस पर किस टॉपिक पे बना सकता हूँ। और इस वीडियो में भी जो मैंने समझाया है अगर आपको लगता है कुछ फ्लॉ है, कुछ मैंने छोड़ दिया है, कुछ शॉर्टकमिंग रह गई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग से जाके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक पैटर्न समझना है अपने वेब पेजेस का कि किस किस जो स्लग है वो ऑटोमेटिकली फैच डायनेमिकली किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि तो वर्डप्रेस में तो क्या होता है आप अपना स्लग खुद बना सकते हैं, ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके आप स्लग अपना बना सकते हैं, लेकिन जो ये डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं और वर्डप्रेस में भी कई जगह जैसे साइट मैप में डायनेमिक होता है कि ऑटोमेटिकली कोई नया पेज बनता है तो वहाँ पे यूआरएल आ जाता है। तो जो भी ऐसे चीज़ ऐसी वेबसाइट्स हो जो डायनेमिक हो जिनमें आपका कंट्रोल ना हो, डेवलपर राइट्स आप पे ना हो, डैशबोर्ड एक्सेस आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ आप पहले परफॉर्मेंस सेक्शन में जाके ये रेजेक्स क्यूरी जरूर लगाइएगा। अगर आपको ऐसे पेजेस दिखते हैं जो मैंने इसमें दिखाए हैं परसेंट के साथ आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये इशू ये पेजेस आपकी वेबसाइट में भी कहीं ना कहीं होंगे और आप देखिएगा वो इंडेक्स नहीं होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।